नमस्कार संपूर्ण खबर को आसिबा कोरोना मुकाबिलारे सारा विश्व पई ओडिसा एबे उदाहरण राज्यवासी को वीडियो वार्ता दे कथा कहिसंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मुख्यमंत्री कहिसंती कि कोरोना लड़ाई रे ओडिसा सफल होईछि मृत्यु हार रोकी बारे विश्व रे उदाहरण सृष्टि करिछि आम राज्य एबे सुद्धा 50% आक्रांत सुस्थ होई घर को फेरलेनि सेपरि नवीन कहिसंती कि सरकारी ओ बेसरकारी कर्मचारी माने सेवा जगाई चालिछंती कोविड योद्धांक निष्ठा एवं बलिदान जोगु आमे कोरोना को मुकाबला करिबारे सक्षम होईछु महाप्रभु जगन्नाथक आशीर्वाद सर्वदा आम सह रहिछि सेभळी कोविड योद्धांक उत्साहित करिबा पई शनिवार संध्या 5:30 रे वंदे उत्कल जननी गान करिबा को आह्वान देइछंती मुख्यमंत्री मास आरुरु सारा दुनिया एक बहुत बड़ो कठिन परिस्थिति रो सामना करितिला बड़ो बड़ो धनी देश शक्तिशाली देश रे भी कोविड आतंक सृष्टि करी थिला सही एका समय रे हम ओडिसा भी कोविड विरुद्ध रे तारो युद्ध आरंभ करी थिला कोविड रु लोकों को रक्षा करिबा एवं लोकों को जीवन बचाइबा सेते बेले मोर सरकार रो प्राथमिकता थिला प्रतिति जीवन रो सुरक्षा होची मो पाई सबुठारु गुरुत्वपूर्ण सेते बेले आमे जहाँ भी नीति जहाँ भी पदक्षेप ग्रहण करितिलु तारो एकमात्र लक्ष्य थिला मोर प्रिय 4.5 कोटी ओडिशावासींकर जीवन रक्षा एबे 2 मासरु अधिक समय होइगला कोविड युद्ध रे लोकंक जीवन बचाइबारे ओडिशा आजिका दिन रे केवल भारत वर्ष रे नुई सारा विश्व रे एक उदाहरण सृष्टि करि पारिछि कोविड रे ओडिशा रे मृत्यु हार सारा दुनिया रे सबुठारु कम करोना रे पीड़ित अधारु अधिक लोक 50% लोक सुस्थ होई घर को फेरिलेनी ओडिशा परी गोटे राज्य तथा आम ओडिशावासी को पाई यह एक बड़ सफलता दुनियार शक्तिशाली देश तथा भारत रो बड़ बड़ राज्य धनी राज्य माने मध्य कोरोना युद्ध रे एतेटा सफलता पाई नहांती आजिका दिन रे उड़िया जाति पाई या एक अभूतपूर्व सफलता एही समय रे प्रवास रे थिबा लक्ष्य लक्ष्य उड़िया भाई बोनी घर को फेरी छंती तथापि कोविड विरुद्ध रे संग्राम रे आमे भल स्थिति रे अच्छु एहा पछरे रोईची कोरोना युद्ध रे दिन राति काम करूथिबा आमरो लक्ष्य लक्ष्य कोविड योद्धा मानक त्याग निष्ठा ओ प्रतिबद्धता सिरे जे भी होंतु लोक प्रतिनिधि सरकारी बा बेसरकारी कर्मचारी निजो निजरो सुख दुख को पछरे पकाए से माने जे बड़ी सेवा जोगाई चली छंती तार तुलना नहीं सही परी एही युद्ध रे सारा ओडिशा वासी सरकारों को पदक्षेप को जेबड़ी विपुल समर्थन देती मु समस्त निकट रे ऋणी यह सहित महाप्रभु को आशीर्वाद सबुबेले आम साथी रे रोईछि एही परिप्रेक्षी रे ओडिशा माटी सह संपर्क थिबा समस्त आमर उड़िया भाई बोनी को मु अनुरोध करूछि जे मई 30 तारीख शनिवार दिन संध्या 5:30 रे आपण माने दुनिया रे जेऊ ठारे भी थांतु सामाजिक दूरता रक्षा करे वंदे उत्कल जननी संगीत गान करंतु एहारो उद्देश्य होउची आमरो कोविड योद्धा मानकु उत्साहित करिबा सेमानको त्याग को सम्मान जणाइबा एहा आम संकल्प को आहुरी दृढ़ करने प्रेरणा जगाइब उत्कल प्रदेश गठन समय रे उत्कल सम्मेलनी रो आद्य संगीत थिला वंदे उत्कल जननी उड़िया जातीयता बंधन को यह मजबूत करी थिला उड़िया जाति पाई वर्तमान समय रे आम समस्त को पाई यह अभूतपूर्व प्रेरणा जगाइब
आगकु आम पाए आहुरी कठिन रास्ता आसी पारे। आगामी दिनर समस्त आह्वान को सफल भाव मुकाबला करिबा एवं नुआ संकल्प नहीं काम करिबा पाए एहा हमकु शक्ति जोगाइबो ए विश्वास मोर अछि। वंदे उत्कल जननी। राज्य आज दिनक 67 कोरोना आक्रांत चिन्हट होता बेले 75 जन सुस्थ होती। राज्य सुस्थ हो आक्रांत संख्या 887 को वृद्धि पाई। जाजपुर 25, गंजाम 19, कटक 9 जन आक्रांत सुस्थ होती। पुरी में 8, नयगढ़ और केन्द्रापड़ा 3 जन लेखाएं सुस्थ होता बेले कंधमाल और बलांगीर 2 जन लेखाएं कोरोना रोगी सुस्थ होती। केन्दुझर, बौद्ध, संबलपुर और खोर्धार जड़े लेखाएं सुस्थ होती। आज आउ 67 कोरोना आक्रांत चिन्हट होगा पर कोरोना आक्रांत संख्या 1660 को वृद्धि पाई। 67 जन 65 जन क्वारेटाइन थे बाकी 2 जन स्थानीय लोक। गंजाम सर्वाधिक 26 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होती। एवं सुधा 1660 पजिट 7 जन मृत्यु हो सारिता बेले 887 सुस्थ होती। विभिन्न हस्पिटाल 766 चिकित्साधीन बेले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पक्ष सूचना मिली। सेपटे देश में बढ़ी चली कोरोना आक्रांत संख्या 24 घंटे 194 जन मृत्यु होता बेले 6566 कोरोना पॉजिट चिन्हट होती। एथसह देश में मोट कोरोना मृत्यु संख्या 4531 पहुंचा बेले आक्रांत संख्या 1,58,000 टपिछ। 86,110 जन चिकित्साधीन अच्छा। महाराष्ट्र में पॉजिट संख्या 56,000 टपिता बेले 1,897 जन मृत्यु होगा। महाराष्ट्र में धीरे धीरे संगीन होउछि स्थिति। दिनक 190 आक्रांत चिन्हट होगा सह महाराष्ट्र में पॉजिट संख्या 56,948 को वृद्धि पाई। बड़ कथा एथिरे 139 जन पुलिस कर्मी अछन्ति। सेहिभली 24 घंटे राज्य में प्राण हर 194 जन केवल महाराष्ट्र 105 जन अछन्ति। गुजरात में मृतकों संख्या 938, प्रदेश में मध्यप्रदेश में 313, दिल्ली में 303 और राजस्थान में 173 को संख्या वृद्धि पाई। कोरोना कबल में एवं सारा विश्व कोरोना वायरस 357,000 रु अधिक जीवन नहीं सारिता बेले 57,81,000 टपिला आक्रांत संख्या। तेज आमेरिका गंभीर रूप ने वायरस आमेरिकार 1,02,000 रु अधिक जीवन नेला महामारी। एठार वायरस रे संक्रमित हेले 17,45,000 रु अधिक। सेपरी ब्रिटेन रे मृत्यु संख्या 37,460 बेले आक्रांत हेले 2,67,000 रु अधिक। इटली 33,072, ब्राजिल 25,598, स्पेन 27,118, फ्रांस 28,596 जन जीवन नेला किलर कोरोना। क्वारेटाइन सेन्टर में प्रवासी को माड़। यह घटना घटी जगत सिंहपुर एरसमा ब्लक गड़ विशनपुर पंचायत में। स्थानीय सरपंच स्वामी प्रभाकर बेहरा, निर्वाही अधिकारी पवित्र मोहन साहू प्रवासी को चेयर फोपाड़ा सह एक बाड़ी में बाड़ी वीडियो वायरल हो। एरसमा ब्लक गड़ विशनपुर अस्थायी स्वास्थ्य शिविर में पाख पंचायत ढींकिया किसी प्रवासी युवक रोते। यही प्रवासी माने गत 25 तारीख रठाक आसते। आसवा पर निज घर लोकों ठू खाद्य ग्रहण करने बाहर मद आनी क्वारेटाइन सेन्टर में पीवासह गाड़ी गुलज कर अभोग दिजा खाद्य खावापर बड़का खाद्य को पचेरी आरपटे जनबसति फिंगुते जहाक नहीं स्थानीय लोक सरपंच सुजाता बेहरा पाखे अभोग करते। तेज यह केन्द्र में महिला माने रहुतिबारु संप्रक्त प्रवासी व्यवहार अतिष्ठ होता। एने कि सरपंच स्वामी प्रवासी को बुझाइबा बेले पाटितुंड होता पर से उत्क्षिप्त हो चेयर फोपाड़ी और पाखे निर्वाही अधिकारी बाड़ी पिटिते। घटना घटा पर वीडियो पहुंच बुझाशा करते। संपर्क में एरसमा थाना एक अभियोग तदंत आरंभ हो। वर्षकर हिसाब ने मुख्यमंत्री आसंता नवीन सरकार पंचम पाली प्रथम वर्ष पूर्ति हो वर्षक मधे के विभाग में कौन अग्रगति होने हिसाब ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एथसह आगक कौन योजना अच्छी से नहीं आलोचना करेंगे। दिन 11:45 बस राज्य कैबिनेट बैठक और अपराह 12:15 बस राज्य मंत्रिपरिषद बैठक। विभिन्न प्रसंग में आलोचना हो।
कोरोना योद्धा सह फोन जोगे कथा हेले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होता सम्मुख योद्धा सह वार्तालाप कर मुख्यमंत्री सरपंच आशा दीदी और अंगनवाड़ी कर्मी सह कथा साहस और त्याग को मुख्यमंत्री भूयसी प्रशंसा कर आक्रांत योद्धा आशु आरोग्य कामना कर नवीन योद्धा त्याग अन्यमानको अनुप्रेरित कर मुख्यमंत्री आशा व्यक्त कर लॉकडाउन परवर्ती रणनीति नहीं कैबिनेट सचिव राजीव गौबा अध्यक्षतार गुरुत्वपूर्ण बैठक होती सब् राज्य और केन्द्रशासित अंचल मुख्य शासन सचिव स्वास्थ्य सचिवों देशर सबुठ अधिक संक्रमित 13 सहर जिलापा जोगद कोरोना जो बेसी मात्रा में प्रभावित मुंबई चेन्नई दिल्ली अहमदाबाद ठाणे पुणे हैदराबाद कोलकाता इंदोर जयपुर जोधपुर चेंगलपट्टु थिरुवल्लुर सहर देशर मोट पजिट्रु 70% अच्छा तेणु कोरोना मुकाबला नहीं कौन सब पदक्षेप नि से नहीं बैठक में समीक्षा होता वार्ड थाना और म्युनिसिपालिटी अंचल भी कंटेनमेंट जोन हो पारे जिलापा और महानगर निगम कमिशनर कंटेनमेंट जोन निर्धारण करे बैठक में निष्पत्ति मास्क पिंधुनथिबा लोकंक उपरे नजर रखिबो ड्रोन लोके सोशल डिस्टेंस नियम पालन करुछंती कि नाही ता उपरे मध्य नजर रखिबो ड्रोन विभिन्न हाट बजार रास्तारे बुलिबो उभय ऑडियो एवं वीडियो उत्तोलन करिबो यहार परीक्षामूलक उड़ाणा कमिश्नरेट कार्यालय रे होईछि राजधानी गड़िला कोरोना सचेतनता रथ रथर शुभारंभ करिछंती ट्राफिक डीसीपी सागरिका नाथ सामाजिक कर्मी और ट्राफिक पुलिस कर्मचारी माने हाथ में प्लाकार्ड धरी कोरोना संपर्क में लोकों सचेतन करास्क पिंधा सह कोविड नियम मानवाक लोकों परामर्श देते ट्राफिक डीसीपी ट्राफिक नियम मानुन अमानिया चेतावनी एणिकी नियम न मानिले कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण ट्राफिक डीसीपी कहते वर्तमान समय दुटा ही सिंपल यार सल्यूशन अच्छी गोटे है मास्क व्यवहार सेकेंड है सोशल डिस्टेंसिंग से विषय में आम बारंबार कमिश्नर पुलिस तरफ आसिक सचेतनता भी करछु आप देखिए आम सोशल डिस्टेंसिंग स्क्वाड जो बाजार एरिया अच्छे से बुले बुले समस्त जनावी से ही प्रकार जमी आप देखते ट्राफिक रे भी गाड़ी बढ़ीगला तो आज आम ट्राफिक जंक्शन ट्राफिक पुलिस बाहर को आसिकी सचेतनता करार चेषा कर मास्क पिंधार सटिक प्रणाली जोटा अच्छी नाक घोड़े रोक पार्टी घोड़े रोक मास्क बारंबार हाथ मारे ना यही विषय में आम आज लोक मूँ जनाऊु आम आशा करूँ कि आपण मैंने निजे अवगत मास्क व्यवहार करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे ताकि आम कोरोना पैंडेमिक को हर पार जिते सचेतन कले सामाजिक दूरता नियम को मानुना लोकेपरिक अनेक लोक मास्क पिंधुन देखा मिले राजधानी में प्रतिदिन 500-700 लोकों फाइन होता लोके सचेतन होना तेणु सचेतनता और कार्यानुष्ठान आहरी जोरदार करी कमिश्नरेट पुलिस आज विभिन्न छक पुलिस पक्ष चढ़ाऊ कर मास्क पिंधुन लोकों ठार आदाय फाइन लॉकडाउन शेष होगा बसी किंतु एपटे चेकिंग को कड़ाकड़ी करछि कमिश्नर पुलिस आज विभिन्न छक पुलिस पक्षर चेकिंग करा जाए छि जो माने मास्क पिंधुना बा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना से मानते कार्यानुष्ठान निया देखु आम डमणा छक अच्छा डमणा छक स्थित देखु जो भाई भाव एटी बर्तमान जो लोक मैंने बाहर को आसुचार किंतु अनेक लोक एवं आसी जो मैंने मास्क पिंधुना तो से फाइन आदाय कर सामाजिक दूरत कि बजाय रखे से नहीं लोक सचेतन करतेचेतन अच्छा पिंधिक हाँ बाहर तो निस्क पिंधा बहुत दरकार अच्छी मास्क न पिंधे सोशल डिस्टेंसिंग न मेंटेन करले केमती चलिबो गवर्नमेंट जहाँ कहते हैं भलपाई कहते ना से न मेंटेन करले केमती चलिबो आमर निजर क्षति हवा संगे संगे अन्यर मध्य क्षति हम तेणु जदि आम सचेतन न हबु ताले टोटली ये जो करोना जमी बढ़ी चलती से आमको क्षति प्लस समाज को क्षति तेनालीरु निश्चय मास्क पिंधि जोटी की जीव आम मास्क पिंधि जीवा कथा तीन मास लोक बारंबार सचेतन कर बाद भी लोक सेमती निश्चित भाव कि अमान्य लोक अच्छा कमन मैन प्राय पिंधुच किसी अमान्य पिला
आउ किछि माने जे आइन कानून को सम्मान दउना से माने मेनली एतको वायलेट करछन्दि। भाई अपन मास्क पिंधि नथि आस्तन जेतो पूरा सचेतन करे जाउ छि समस्त टाइम पिंधि नथि मास्क। ए मास्क एक्चुअली भूलि जाइ छि आनी नै जेतबेले घरु बाहरुचंती मास्क पिंधु नहांती आ सेही मनकु सचेतन करबा पई कमिश्नरेट पुलिस पक्षरु एई आजिर एई जो अभियान चालीचे त नियमित भाबे आगोकु मध्य एई भली चालीबो अभियान। आपण मास्क पिंधि नहांती आसीचंती घर मैम पिंधे सबबेले पट ब्याग रखि दिजि बोले अनेक लोक अछंती एबे बे सचेतन होना त सेही अमान्य लोक मानकु सचेतन करबा पई फाइन कलेक्शन करबा उद्देश्य नहे बरम लोकन को सचेतन करबा पई एई पदक्षेप लिया जाई छी बोली कमिश्नर पुलिस पक्षरु कहा जाई छी। आगक मध्य एभली अभियान जारी रहिबो लोकन को सचेतन करा जीव सामाजिक दूरत्व बजाय रखिबा पई कहा जीव। भुवनेश्वर रु कैमरामैन प्रफुल्ल चरण सह शुभलक्ष्मी बड़ निजेटी नोला। आज राज्य गड़ा बस दुई मास परे रास्ता को ओल्लाई बस यात्री परिवहन बेले सानिटाइजेशन को गुरुत्व दि जाएगी। समस्त यात्री और बस कर्मचारी मास्क पिंधा बाध्यतामूलक बस छाड़ पूर्व बस गुड़ को सानिटाइज कर तेज यात्री को नहीं चिंता बढ़ी। आज सका राज्यर प्रमुख बसस्टाण गुड़िक कि बस ठिया होते जात्री देखा ना का भा जी आसवा देखा मिली। बरमुंडारू हाथगणती जात्री को नहीं बौद्ध को जात्रा कर प्रथम बस जहाक नहीं मालिक माने चिंतार पड़ते एत कम संख्यक जात्री ने तेल खर्च उठबाही। अंपटे राज्य परिवहन मंत्री पद्मनाभ बेहरा कहते लॉकडाउन एवं बस आवश्यक कर्मचारी नहांती तेणु स्थित सामान्य होगाक समय लगे तेज जून एक तारीख सुधा राज्य में बस सेवा स्वाभाविक हो मंत्री आशा रखिंट। सेपटे आज सका कटक बादामबाड़ी बसस्टाण्रे हाथगणती किसी जात्री को देखा मिलता। आज सका कौन गोटे बस बादामबाड़ी बाहरी ना फल गंतव्य स्थल को जी आशे बसस्टाण्क आसवा जात्री को निराश होगा पड़ी। सेपटे निर्दिष्ट संख्यार जात्री न आसिले बस चल पारना कि बस मालिक सूचना देते। आज तो आरंभ है तेणु दि चार दिन निश्चित भाव टिके आरंभ को लोक बाक जाणी नथिबे कि खबर ठीक से पाखे पहुँची नथिबो कि जो बस मत संपूर्ण भाव चली ना तेणु धीरे धीरे स्वाभाविक परिस्थिति को आसिबो टिके मते लागुची एक तारिख पर्यंत ये समस्या टिके रहिबो तापर पर धीरे धीरे लोक जीवा आसिबा आरंभ करिवे एवं चलपचल हबो ना। आम जो जो बस सब विभिन्न राज्य को जाऊँ के सबुत राज्य तो ना के राज्य को जाऊँ से सागर आम आलोचना करूँ से जो मैंने परमिट नहीं ट्रांसफर कमिशन सागर आलोचना कर सी कथु आम से सागर जो से स्टेट्र जो अच्छा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से कथी बस चलपचल हम टैक्स छाड़ कथा तो आम प्राय सहमति प्रकाश पाई एवं आउ जो कथा देखिं आम कथ मानवर मुख्यमंत्री सागर आलोचना करूँ से बाबद सी निजे चिठी लिखे भारत सरकार को ओडिशा तो रोन आम दिल्ली आसूँ एक्चुअली स्टेशन रू ओक आम घर को जीवाई भद्रक सर मुझे दिल्ली आसली एटी आसला देखिली सर प्लाटफर्म लेट ट्रेन भी लेट था प्लाटफर्म रहा पड़ा आस सकाल सर मतलब इनफर्मेशन मिलला कि सर बस चलिए संभावना सुविधा अच्छी सर बरमुंडा बस स्टाण आसल पचारे ब्रह्मपुर जी बस अच्छी तो बहुत सुविधा अच्छी आमको जी आम बहुत दिन पर बस जीवन गंजाम डिस्ट्रिक्ट जीवन बस भी मिलला आमको एथि सरकार बहुत मुझे धन्यवाद दूसरे बस भी सुविधा कर मुझारकू आसती ब्रह्मपुर जी मोर निहाती जरूरी कम थी एत दिन जापार नी आज बस चलू निहाती भल मान समस्त सुविधा हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके पाखापाखी अढ़ाई मास पर गाड़ी चलू सरकार निष्पत्ति स्वागत करुच्छ किंतु सबुठ बड़ कथ है पाखापाखी अढ़ाई मास पर बस चलू कि आप देखिए बस गुड़िक प्रायत चलवा अवस्था ना फिजिकाली से फिट नुहे गाड़ी गुड़िक सानिटाइज कर देखिए गाड़ी चटाण भितर बस भितर धूली गुड़िक जमी रही भय लगुच परिस्थिति में आम गाड़ी में सुरक्षित जापर कि ना जेहेतु सरकार आगु घोषणा कर गाड़ी गुड़िक आज जीव तेणु बस मालिक मैंने निश्चित भाव में यह प्रति दूषी देवार सडन आम बाबू आम को धरिक आसू आम गाड़ी चलवाक आसलु कहीं दि पैसा पाइले दि पैसा घर देवु दि पैसा आम खाइबू। ब्रह्मपुर में बस चलाचल स्वाभाविक होती दीर्घ दुई मास धरी लॉकडाउन जो बस चलाचल पर कटकणा लगी अनेक बस ग्यारेज रही बेले अनेक बस प्रवासी ओडिया मानक नेबा आणिबा कार्य नियोजित होती। आज ब्रह्मपुर सिटी बस स्टाण में अनेक बस प्रस्तुत हो रही है किंतु यात्री मानक संख्या सेतटा नथिला कां भा किसी यात्री आसवा देखा मिलता। जदि आवश्यक परिमाण यात्री बस रे ना तेज किभली गाड़ी चलो ताकू नहीं आशा आशंकर बस मालिक मैंने
ସେପଟେ ପୁରୀରୁ ଗଡ଼ିଛି ବସ୍। ଦୁଇ ମାସ ପରେ ଆଜି ପୁରୀରୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିଛି, ହେଲେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୁରୀରୁ ମାତ୍ର 6 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବସ୍ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛି। ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାସ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବା ନେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମାଲିକମାନେ ଅବଗତ କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୁରୀରେ 700ରୁ ଅଧିକ ବସ୍ ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଏବେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ବସ୍ ମାଲିକ। ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଛି କାଳିଆରଜା ଗାଡ଼ି, ଯେଉଁଟାକି କଟକ ତାର ଚାରିଫାଳ ଏବଂ ବରମୁଣ୍ଡା ଦୁଇଫାଳ ଗାଡ଼ି ଅଛି ତାଙ୍କର ପରମିଟ। ସେ ପ୍ରଥମ ଫାଳରେ ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟି ଲୋକ ନେଇକି ଆସିଛି ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଯାତ୍ରା କରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଲୋଡ଼ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 7-8ଟି ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ, ଯେହେତୁ କି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଉଳ ବନ୍ଦ, ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରିବେନି ପୁରୀ କି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ପୁରୀ ଯେହେତୁ, ତେଣୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଲୋକ ମନ୍ଦିର ନକଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବେ। 2 ମାସ ହେଲାଣି ପୁରୀରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଗାଡ଼ି ମଟର ବନ୍ଦର ଷ୍ଟାଫ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେଝା ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ହେରି, କାହିଁକିନା 2 ମାସ ବନ୍ଦ ଭିତରେ ମାଲିକମାନେ ବି ଦିନେ ପଚାରିନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ତ କରିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 50ଟା ଲୋକ ନେଇକି ଯିବ ଗାଡ଼ି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପୁରୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ 8 ଜଣ ଭିତରେ ମୋର 50ଟା ଲୋକ ହେଇଗଲେ, ମୁଁ 93 କିଲୋମିଟର କଭର କେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଲୋକ ମୋତେ ମାରନ୍ତି, ସେଠି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବ କିଏ? ସେଠି ଆମେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଆଜ୍ଞା, ସେ କ'ଣଟା କରିବୁ ସେଠି? ସରକାରଙ୍କର ଇଏରୁ ସରକାରଙ୍କର କଥା ଅନୁଯାୟୀ ବସ୍ ଚାଲିବା ସେବା, ବସ୍ ସେବା ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତଥାପି ଲୋକ ପାଖ ତ ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଯେମିତି ହେଇକି ଅବଶ୍ୟ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଉଠିବନି କି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଦରମା ପଇସା ମଧ୍ୟ ଉଠିବନି, ତଥାପି ଲୋକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଲେ ବାରିପଦା ଅମ୍ବିକା ଠାକୁରାଣୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ। 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ରେ ଫେରୁଥିବା ଶତାଧିକ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସହ ପାଣି ବୋତଲ ଦିଆଯାଇଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ବେଳେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଏପରି କାମକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। କ୍ରିମ୍ କେକ୍ କିମ୍ବା କ୍ରିମ୍ ବିସ୍କିଟ୍ ଆଉ ପାଣି ବୋତଲ ରଖିଛୁ, ତ ଆସିଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହାତ ଦେଖାଇକି ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯଦି ଗାଡ଼ି ଅଟକିଲା ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରାହେଉଛି। ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ିମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇକି ଦେଉଛୁ, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ଯେପରିକି ବିସ୍କିଟ୍ ଆଉ କେକ୍ କ୍ରିମ୍ ପାଉଁରୁଟି ଆଉ ପାଣି ବୋତଲ ଏହିସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ପୁଲୱାମାରେ ଆଉ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଜନା ଉଦ୍ୟମ ପଣ୍ଡ, ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ସେନା। ଆଉ ଆଇଇଡି ବୋଝେଇ କାର୍କୁ ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ପୁଲୱାମା ନିକଟରେ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀର କାର୍ରେ ଫେକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ପୋଲିସ ଉକ୍ତ କାର୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ହେଲେ କାର୍ ନ ଅଟକିବାରୁ ପୋଲିସ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା ଆଉ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଅନ୍ଧାରରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଜଣକ। ପରେ କାର୍କୁ ଜବତ କରିଥିଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମା ସିଲ୍ କରି କାର୍କୁ ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କରି ରଖିବା ସହ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କାର୍ରେ ଲାଗିଥିଲା କଠୁଆ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସ୍କୁଟରର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍। ସେପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏନ୍ଆଇଏର 2 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ କାର୍ରେ ରଖିଥିଲେ 45 କେଜି ବିସ୍ଫୋରକ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ଲସ୍କର ଏବଂ ଜୈସ ଆତଙ୍କବାଦୀର ହାତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଡିଜିପି ଦିଲବାଗ ସିଂ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଲଗାତାର ଖବର ଆ ରହା ଥା କି ମିଲିଟେଣ୍ଟସ ଜୈସ ମହମ୍ମଦ ଓ ଏଚ୍ଏମ୍ ମିଲକର ଏକ ସୁସାଇଡାଲ ଆଟାକ୍ କରନେ ବାଲା ହେ ଆଉ ଏକ ସେଣ୍ଟ୍ରୋ କାର ଲିଆ ହେ ଉସମେ ଆଇଡି ଭରକେ ଏନି ଟାଇମ୍ ଆଟାକ୍ କର ସକତା ହେ। କଲ ଦିନ ମେ ଔର ମେଚ୍ୟୋର ହୋ ଗିଆ ଥା ଆଉ ଉସକୋ ଡେଭଲପ କରକେ କଲ ଶାମ ମେ ପୁଲୱା ପୁଲିସ ନେ ଆର୍ମି ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଔର ଏସ୍ଓଜି ପାର୍ଟି କା ଡିଫେଣ୍ଟ ନାକା ଲଗାୟା ଆଉ ଆଜ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମେ ଆପଣା ବିଡିଏ ସ୍କ୍ୱାଡ ଗିଆ। ଜବ ଉସନେ ଦେଖା କି ଇସମେ ଆଇଡି ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ ଲୋଡେଡ଼ ଭେହିକଲ ହେ ତୋ ହମାରି ଟିମ୍ ଓହାଁ ଯାକେ ଉସମେ ଆର୍ମି ସିଆର୍ପି ପୁଲିସ କି ଟିମ୍ ଯାକେ ଉସକୋ ପୁରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଢଙ୍ଗ ସେ ଉସକୋ ଡିଫିଟ ଗିଆ ଆଉ ଇ ଢଙ୍ଗ ସେ ପୁଲୱା ପୁଲିସ ନେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ କେ ମଦଦ ସେ ଇସ ବହୁତ ବଡ଼ ହାଦସା ହୋନେ ସେ ରୋକ ଲିଆ। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।